नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। टीम इंडिया का मिशन 2020 कल से शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच कल पहला टी20 मैच खेला जाएगा और ये भारत का इस साल पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होगा और इसी साल टी20 वर्ल्ड कप भी होना है। इस लिहाज से ये मैच और ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के साथ 3 मैचों की ये टी20 सीरीज है और इसीलिए भारतीय टीम की तैयारी कैसी होती है, खिलाड़ियों की तैयारी कैसी होती है, उसे परखने के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम होगी और आगे भी ये दौर कैसे आगे चलता है इस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा कुछ चोटिल खिलाड़ी भी इस सीरीज में वापसी कर रहे हैं टीम में और वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं ये देखना भी खासा दिलचस्प होगा, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। और साथ ही साथ श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है सीरीज शुरू होने वाली, उससे पहले ही हम आपको इसके बारे में तमाम चीजें बताएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका अब तक 16 बार टी20 मैचों में आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से 11 बार टीम इंडिया ने मैच जीता है और 5 बार ही श्रीलंकाई टीम को जीत मिली है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच साल 2009 में खेला गया था। उस पहले ही मैच में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया था। ये मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला गया था। इसके बाद दूसरा मैच जो भारत के नागपुर में खेला गया वो श्रीलंका ने जीता था और बराबरी कर ली थी। यानी श्रीलंका में खेला गया पहला मैच जहां भारत ने जीता, वहीं बदला लेते हुए भारत में खेला गया पहला टी20 मैच श्रीलंका ने जीत लिया था। दूसरे मैच में श्रीलंका ने भारत को 29 रन से करारी मात दी थी। इस सीरीज के लिए हिटमैन रोहित शर्मा को आराम दिया गया है और ऐसे में केएल राहुल शिखर धवन के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि शिखर धवन जो हैं वो वापसी कर रहे हैं चोट के बाद। इसके अलावा बुम बुम बुमराह वो भी वापसी कर रहे हैं और वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं ये देखने वाली बात माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से मैच विनर साबित होंगे। इसके अलावा टीम की कप्तानी, भारतीय टीम की हम बात कर रहे हैं, वो विराट कोहली के हाथों में होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम की कमान लसित मलिंगा संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच आखिरी टी20 मैच 12 मार्च 2018 को खेला गया था जो कोलंबो में ही हुआ था। इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। इसके बाद पूरे साल यानी 2019 में दोनों टीमों के बीच कोई भी मैच नहीं खेला गया। अब साल 2020 की शुरुआत में ही दोनों टीमें फिर से आमने सामने आ रही हैं। देखना होगा कि दोनों में कौन सी टीम पहले ही मैच में बाजी मारती है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 टी20 सीरीज हुई है। भारत को 5 में जीत मिली, वहीं एक सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि दोनों टीमों में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, तो आपको बता दें कि बल्लेबाजी की अगर बात हो तो यहां पर हिट्समैन रोहित शर्मा सबसे आगे नजर आते हैं। हालांकि इस सीरीज में उन्हें आराम दिया गया है। उनके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली का नंबर आता है और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय गेंदबाज काफी आगे नजर आते हैं, चाहे फिर वो तेज गेंदबाजी हो या फिर स्पिनर्स। और माना जा रहा है कि सीरीज में भी भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से श्रीलंकाई टीम पर हावी रहेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच अब तक जो भी मैच हुए हैं उसमें भारत के हिटमैन रोहित शर्मा दोनों टीमों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 15 मैचों में 289 रन बनाए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर भारतीय कप्तान विराट कोहली का है, उन्होंने कुल 4 ही मैचों में 283 रन बना लिए। सुरेश रैना भले ही आज टीम इंडिया के मेंबर नहीं है लेकिन वो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। सुरेश रैना ने 12 मैचों में 256 रन ठोके हैं, यानी टॉप में भारतीय बल्लेबाज ही है। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का नाम आता है, जिन्होंने 4 ही मैचों में 235 रन बना डाले थे। इस सीरीज में रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, इसलिए पूरी संभावना है कि विराट कोहली इस सीरीज में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें रोहित को पीछे छोड़ने के लिए मात्र 7 रनों की ही जरूरत है। वहीं सुरेश रैना और कुमार संगकारा भी अपनी अपनी टीमों से नहीं खेल रहे हैं। तो टी20 सीरीज के लिए भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें तैयार हैं और पहला मैच कल होने वाला है। किस तरह से अपडेट्स आते हैं लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शिखर धवन जो है वो वापसी कर रहे हैं, बुम बुम बुमराह की वापसी हो रही है और तेज गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी में से कौन उनके साथ होते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। लगातार जो अपडेट्स एनएन स्पोर्ट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। अपडेट्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और खेल की तमाम खबरों के लिए आप एनएन स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लगातार बने रहिए एनएन स्पोर्ट्स के साथ।